जाके अभी बैठ गया, जहाँ पे भी बैठो दिन में वहाँ के साइड में बैठ जाता है कि मुझे थोड़ा प्यार कर और मैं सो जाऊँगा। बेबो नहीं आती है, जब हम जगे होते हैं तब बेबो नहीं आती है, बेबो हम जब सो रहे होते हैं तभी आती है, बट सिम्बा इसी टाइम पे आता है। देखो मेरा बच्चा, लो मेरा बच्चा, मेरा शेर। जय माता दी। तो आज है वही सेम डे, फर्स्ट डे ऑफ नवरात्र। मैंने सुबह ब्लॉग एंड किया था, हनी बनी को स्कूल से लाने के बाद उनको खिला दिया। बस मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, सुबह से पूजा हुई है, अभी 4 बज रहे हैं। एंड सिम्बा तब से लेके या तो पीछे जाके सो रहा है या इधर बैठ के माता रानी को देख रहा है खाली, या इसी के ऊपर सो रहा है उधर देख रहा है, पता नहीं क्या हो गया है उसको, कंटिन्यूसली बैठ कर देख रहा है या तो उनके पीछे जाके सो रहा है। बेबो भी बैठ चेयर पे ऊपर बैठ कर देख रही है, बट इतना नहीं, बट सिम्बा बहुत ज़्यादा। तो बस हनी बनी के लिए दाल चावल बना दिया था, और तो अन्न हम जीत और मैं तो अन्न नहीं खाएंगे, एंड हनी बनी के लिए बस जो खाना बनेगा सुबह शाम तो उनको बना दिया था, खिला दिया है, वो अभी थोड़ा खेल रहे। मैं बस एक फ्रूट खाऊंगी, देन फिर मैं उनको थोड़ा बहुत पढ़ा के फिर डिनर की तैयारी करूंगी। तो यहाँ पे हनी बनी को मैंने पढ़ा लिया है, एंड पढ़ाने के बाद ना एक दूसरे के साथ मैं उनको छोड़ देती हूँ आधा घंटा, क्योंकि ना हनी इंग्लिश में ज़्यादा स्ट्रांग है और बनी मैथ्स में ज़्यादा स्ट्रांग है, तो मैं जो भी उनका डाउट्स क्लियर करती हूँ उससे ज़्यादा वो उनके लिए इफ़ेक्टिव होता है वो अगर ग्रुप स्टडी करते हैं। तो मैं उनको लास्ट के टाइम पे कुछ ऐसे टास्क देख के ना मैं उनको दोनों को छोड़ देती हूँ, तो इंग्लिश में ना बनी की हेल्प हनी कर देता है और मैथ्स में बनी हनी की हेल्प कर देता है, इससे ना उन दोनों का काफ़ी मतलब कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और वो ज़्यादा याद भी रखते हैं, जैसे हम लोग स्कूल के टाइम पे ग्रुप स्टडी करते थे ना इसीलिए। तो अभी आज मैंने बस उनको मैथ्स पढ़ा है, तो हनी बनी ने अपना कब का कंप्लीट कर लिया है, तो बस अभी बनी थोड़ा सा हेल्प कर रहा है हनी की। सो गाइज इवनिंग हो गया है, बस मैं अभी जाऊंगी हनी बनी के लिए डिनर प्रिपेयर करूंगी, साथ ही साथ थोड़ा सा भोग भी प्रिपेयर करूंगी जो कि हम लोग खाएंगे, साबूदाना वगैरह इस टाइप का कुछ। एंड उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे नवरात्रों का सीजन चल रहा है, चारों तरफ तो रौनक लगी होगी, दुबई में भी बहुत अच्छी रौनक लगती है, बहुत लोग यहाँ पे गरबा नाइट्स जाते हैं, यहाँ पे बहुत जगह पे अरेंजमेंट होता है, बट हम लोग कभी भी नहीं गए क्योंकि हमेशा ही हमारा फास्टिंग रहता है, तो फिर कौन जाके डांस करेगा, थकावट लगेगी, प्लस बच्चे भी छोटे थे इसलिए हमने कभी भी नहीं गए हैं। बट ये पहली बार है, हमारे एक ओडिया फ्रेंड है जो खुद ही ऑर्गेनाइज कर रहे हैं गरबा नाइट, तो उन्होंने हमें इनवाइट किया है, तो हम लोग जा रहे हैं। तो सारा जो डिटेल है ना मैं यहाँ पे लगा दूंगी, आप लोग देख सकते हो। 1st of October को ही आई थिंक सैटरडे मतलब सप्तमी वाले दिन गरबा नाइट है, 7:30 शाम से लेके 11:30 रात तक मतलब चलेगा ये प्रोग्राम। एंड वेन्यू जो है वो स्प्रिंगडेल स्कूल है, तो वहां पे है ये, एंड वहां पे डीजे नाइट होगा, देन थीम डांस होगा, फूड स्टॉल्स होंगे, एंड वहां पे उन्होंने प्राइजेस भी रखे हैं, वर्थ 5000 दिरहम्स का प्राइज भी कुछ रखा है, एंड ड्रेस कोड जो है वो ट्रेडिशनल रहेगा, आप सूट साड़ी लहंगा ऐसे कुछ पहन सकते हो। एंड इसका जो एंट्री फी टिकट जो उन्होंने रखा है वो पर पर्सन 100 दिरहम्स रखा है, एंड कपल एंट्री जो है वो 180 दिरहम से, प्लस बच्चे जो है 10 साल के नीचे तक बच्चों का फ्री एंट्री है। एंड साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक डाला है, वो लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्ट टिकट जो है वो बाय भी कर सकते हो। तो यही है, तो हम लोग पहली बार गरबा नाइट जो है वो अटेंड करने जा रहे हैं, संग्राम, माया, मैं, जीत, हनी बनी, हम सब जा रहे हैं सैटरडे को। अगर आपने कहीं पे भी बुक नहीं किया अभी तक या आपको इंटरेस्ट है गरबा नाइट अटेंड करने का तो आप लोग भी यहाँ पे आ सकते होगा, तो हम सब मिलेंगे वहाँ पे सैटरडे को। एंड जैसा कि मैंने बताया पहली बार हम लोग अटेंड कर रहे हैं, तो ये जो होता है ना गरबा वाला जो ड्रेस कॉस्ट्यूम, तो यहाँ पे ना इस नंबर पे, यहाँ पे मैं नंबर भी डाल दूंगी सारा डिटेल्स उनका, आप वहां पे कॉल करके टिकट जो है वो बाय कर सकते हो। साथ ही साथ सेम नंबर पे आप कॉल करके इस टाइप का ड्रेस जो है वो लोग सेल भी करते हैं, तो वहां पे आप खरीद भी सकते हो प्लस रेंट पे भी ले सकते हो। तो हमने ना रेंट पे लिया है क्योंकि ये फिर ड्रेस फिर तो काम नहीं आएगा, और नेक्स्ट ईयर सेम ऑब्वियसली रिपीट करने में भी अच्छा नहीं लगेगा, तो हमने रेंट पे लिया है।
सेल का एंड रेंट का क्या चार्ज है आप उनको कॉल करके पूछ लेना। तो मैंने अपने लिए ये, उन्होंने मुझे फोटो भेजे थे तो मैंने ये वाला सिलेक्ट किया है। ये है मेरा लहंगा, मैं आपको दिखा दूं, ये है लहंगा। बाप रे बहुत शोर कर रहा है, बहुत घुंघरू लगे इसमें। ये हो गया मेरा लहंगा एंड इसके साथ में है ये हो गया उसका चोली, ये ऊपर का चोली एंड ये हो गया उसका दुपट्टा। दुपट्टा प्लेन है, बस साइड में ऐसे बॉर्डर है, मैं थोड़ा काम है ये है। तो ये आप मतलब रेंट पे अगर लोगे ना तो फिर आप लेके थोड़ा बहुत अगर आपको कुछ भी फिटिंग में दिक्कत हो रहा है तो आप स्टिच करा सकते हो हल्का सा, ताकि वो बाद में वो खोल सके। साथ ही साथ उन्होंने माया के लिए भी भेजा है। तो ये है माया का लहंगा, आई थिंक ये थोड़ा इसको थोड़ा प्रेस करना पड़ेगा माया का। माया भी आएगी शायद इसको लेने के लिए, क्योंकि उसको भी फिटिंग करानी है, तो सैटरडे को जाना है तो ज्यादा टाइम नहीं बचा है एंड अभी तो टेलर्स बहुत बिजी होंगे। एंड ये हो गया उसका चोली एंड ये हो गया उसका दुपट्टा। दुपट्टा आई थिंक दोनों का हमारा सेम ही है, कलर भी सेम है एंड ये पैटर्न भी थोड़ा बहुत सेम ही है। बाकी हनी बनी का जीत का मैंने कुछ भी हंसे ट्रेडिशनल मतलब वो जो नॉर्मल ट्रेडिशनल कुर्ता वगैरह ना वही पहनेंगे, क्योंकि इस टाइप का जीत तो कभी भी नहीं पहनेंगे एंड बच्चों का भी मैंने नहीं लिया है। तो आपको भी अगर ड्रेस वगैरह नहीं लेना है तो आप साड़ी सूट लहंगा वगैरह पहन के भी आ सकते हो एंड डांडिया स्टिक जो है वहां पे आपको मिल जाएगा। प्लस ये थोड़ा हम लोग पहली बार है तो मैंने सोचा कि ये ट्राई करते हैं कैसा लग रहा है, पता नहीं। तो बस मैं इसको अभी ट्राई करने जा रही हूँ, जो भी फिटिंग वगैरह होगा हम करा लेंगे, माया भी करा लेगी। अगर आप लोग आना चाहते हो तो डेफिनेटली आना एंड हम लोग मिलेंगे फिर वहां पे सैटरडे को। सी यू फिर। चलिए मैं चलती हूँ अभी किचन में, खाना वाना बना लेती हूँ। मैंने सोचा कि आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूं अगर कोई इंटरेस्टेड है डांडिया नाइट के लिए एंड कहीं पे भी बुक नहीं किया है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पहन के देखा है कि हाँ कितना क्या फिट कराना पड़ेगा, मतलब ये जो घाघरे में तो बस डोरी लगेगा तो वो हो जाएगा। ब्लाउज काफी लूज है तो ब्लाउज थोड़ा सा फिटिंग कराना पड़ेगा। बाकी इसमें ज्वेलरी भी पहनते हैं ना वो क्या जो ब्लैक वाली कौन सी बोलते हैं ऑक्सीडाइज वाली ज्वेलरी इसमें पहनते ना घाघरे उसमें, तो देखेंगे अगर कुछ सस्ता मिल रहा होगा डे टू डे वगैरह में, डे टू डे में तो नहीं मतलब मंदिर मीना बाजार में तो ले लेंगे, क्योंकि ये वन टाइम ही यूज है तो वो लेंगे, वरना घर पे जो ज्वेलरी है वही पहन लेंगे। सप्तमी वाले दिन तक हमारा 7 दिन फास्टिंग हो रहा है, तब पता नहीं हमारी एनर्जी बची होगी नहीं होगी, बस जाएंगे अटेंड करेंगे पहली बार, अच्छा लगेगा। तो ये कैसा लग रहा है मेरा ड्रेस मुझे कमेंट करके बताना एंड काफी घुंघरू है, चंचन चंचन हो रहा है तो बेबो देख के खाली मेरे पीछे आ रही है कि उसको खेलना है उसके साथ में। तो बस ये है कुछ मेरा लुक गरबा का। सो हनी बनी के डिनर के लिए मैं बना दूंगी आलू पराठा। एक तो होता है स्टफिंग वाला आलू पराठा, एक होता है मतलब आटे के साथ में बॉयल्ड आलू को आप गून लो, ये ना बहुत सॉफ्ट बनता है। नो डाउट वो पराठा भी सॉफ्ट बनता है बट ये काफ़ी पतला भी आप बेल सकते हो। जब हनी बनी छोटे थे ना, 1 साल के थे मतलब हुए थे जस्ट, अपने हाथ से थोड़ा थोड़ा खाना फैमिली फूड ऐसे सीख रहे थे, तो मैं इसी टाइप का बहुत बनाती थी, ऐसे आलू बॉईल करके, कभी गाजर बॉईल करके, कभी ऐसे इस टाइप का ब्रोकली वगैरह बॉईल करके ना उसका प्योरे बना के आटे के साथ गूंद के उनको पकड़ा दो ना, काफ़ी सॉफ्ट होता है, पतला भी आप बेल सकते हो और बच्चे आराम से खा भी लेते हैं जब उनके छोटे छोटे दांत आए होते हैं ना उसी टाइम पर। तो यहाँ पर मैंने बॉयल्ड आलू लिया है, इसमें ऐड करूँ थोड़ा सा बस जीरा, हल्का सा मैं हल्दी पाउडर ऐड करूँ, हल्का सा काली मिर्च का पाउडर, ये आप स्किप भी कर सकते हो, थोड़ा सा अजवाइन, नमक, हल्का सा देसी घी भी ऐड कर रही हूँ। देन मैं इसमें ले रही हूँ मल्टीग्रेन आटा, तो इसमें आराम से 4 से 5 6 पराठे जो है ये बन के रेडी हो जाएंगे। आप चाहो तो इसमें छोटे पीसेस मतलब पालक के भी काट के ऐड कर सकते हो, मेथी भी ऐड कर सकते हो, या आपके बच्चों को जो भी आप खिलाना चाहते हो ना तो इसमें ऐड कर लो तो उनको पता नहीं चलता है, वो खा लेते हैं। तो बस इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको हम लोग अभी गूंद लेंगे। आप अपने लिए बना रहे हो तो चटपटा बना सकते हो, थोड़ा चाट मसाला, लाल मिर्च का पाउडर या जो बारीक कटे हुए धनिया एंड लाल मिर्च सॉरी हरी मिर्च ऐड कर सकते हो। तो बस आटा लगा लिया है मैंने एंड इसी नवरात्रों में जो जल्दी आसानी से बन जाएगा ना बच्चों के लिए वही मैं बनाया करूँगी एंड उनको पसंद भी आता है काफ़ी एंड ये बहुत अच्छा लंच बॉक्स ऑप्शन भी है स्कूल के लिए अब देने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम तक बिल्कुल सॉफ्ट रहता है। तो इसके साथ में आपके बच्चों को जो भी पसंद है, केचप पसंद है, दही पसंद है, मेयोनीज पसंद है, आप दे सकते हो। हनी बनी तो दही के साथ में ही खाते हैं आपको पता है। तो बस इसको मैं थोड़े टाइम के लिए रेस्ट करने के लिए रख दूँगी 15-20 मिनट, देन मैं इसका पराठा बना लूँगी।
एंड हमारे डिनर के लिए, जैसे कि मैंने लास्ट वाले आप ब्लॉग में आपको बताया था कि मैं इस बार कोशिश करूंगी खाली फ्रूट्स खा के करने के लिए, जितना दिन मुझसे हो पाएगा मैं खाली फ्रूट्स खाऊंगी जस्ट, एंड अगर नहीं हो पाया फिर मैं फलहारी जो है जो जीत के लिए मैं बनाऊंगी वही मैं खा लूंगी। तो आज मैं पहला दिन है तो हम लोग कुछ भी वो नहीं बना रहे, मतलब कुक खाना कुछ बना नहीं रहे, बस ये मैंने साबूदाना भिगो के रखा है तो उसमें दही फ्रूट्स वगैरह ऐड करके उसको मैं बना लूंगी, तो वो मैं अभी आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। बहुत अच्छा होता है, पेट काफ़ी ठंडा रखता है। अगर आप फास्टिंग कर रहे हो ना, दिन में एक बार भी ये खा लो ना तो पेट बिल्कुल गर्म नहीं होता, ठंडा रहता है। बाकी मैं लेके आई हूँ यहाँ अलादिल से, बस मैं सामक के चावल लेके आई हूँ। इस बार मैं कुट्टू का आटा वगैरह कुछ नहीं लेके आई क्योंकि हमेशा मैं लेके आती हूँ फिर ना उपवास रख के ना पूरी वगैरह खाने का मन नहीं करता है, फिर वो वेस्ट जाता है, इसलिए बस मैं सामक के चावल लेके आई हूँ। ये बहुत हल्का होता है, लाइट होता है, तो इसका चावल बना लूँगी, साथ में आलू की सब्जी जो बनती है ना वो बना दूँगी तो जीत का हो जाएगा। एंड कुछ ऐसे पापड़ में लेके आई हूँ जो नवरात्रों के लिए, पटैटो पापड़ एंड जो साबूदाने का पापड़, ये हल्का सा फ्राई करके मैं रख दूँगी ना, जीत जैसे रात को मंचिंग वगैरह थोड़ा बहुत करते तो उनके लिए हो जाएगा, तो बस मैं यही लेके आई हूँ। बाकी अगर हाँ ज़रूरत पड़ा कुछ कुट्टू का आटा या सिंगारे का तो मैं घर के नीचे ही मिलता तो मैं जाके ले आऊंगी। सो यहाँ पे फ्राई कर लिए है कुछ साबूदाने के कुछ आलू के पापड़, तो जीत का रात का 3-4 दिन का जुगाड़ जो है वो हो गया है, इसको वो खाली भी खा सकते हैं, थोड़ा सा दही के साथ भी पापड़ खाओ ना तो अच्छा भी लगता है। ये देखिए गाइस पराठा बन गया, एंड ये देखिए काफी सॉफ्ट बनता है, ये बहुत ही सॉफ्ट, लंच बॉक्स के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। कम टू गो टेक योर फूड। Captain, I want you to take your food and eat. Finish it. Take. Maybe? This is yours, yeah. Wait. And but this is Bunny's. Okay. No, I'll take Bunny. You take. Sit on the table. Go. Sit on the table. I'll give Bunny, you water. Food ready. We need Nige. Come. Sit here. Sit here. Upar. Where are you going? Here. Sit down. My baby's here. देखो प्लेट पे अपना टॉय भी रख दिया है। उसने भी अपना डायनासोर रखा है प्लेट पे। फटाक से फिनिश करो। आई विल गिव यू वाटर। नो नो वाटर। ओके ओके। सो अभी चलिए भोग के लिए बना लेते हैं। एंड ये वाला कंटेनर ना, ये 4 का ऐसे सेट है, ये मैं इंडिया से इस बार मैंने मंगवाया था, ये ऐसे स्टील का है अंदर का, बट ये ना माइक्रोवेव सेफ है, तो ये इसे बहुत अच्छा, एक तो स्टील है और माइक्रोवेव में भी यूज़ हो सकता है, एंड इसके साथ में कवर भी है, तो ये जो है ये सबसे बड़े में से मतलब सेकेंड नंबर का है ये। तो चलिए मैंने यहाँ पे साबूदाना जो है वो भिगो के रखा था सुबह से, तो वो अभी ले लेंगे, सारा तो नहीं थोड़ा सा बस यहाँ पे, तो 2 से 3 स्पून यहाँ पे ले रही हूँ साबूदाना। देन मैं इसमें ऐड करूँगी दही, आप थोड़ा सा दूध भी ले सकते हो, मैं खाली यहाँ पे दही ले रही हूँ। एंड जैसे कि मैंने बताया ये पेट बहुत अच्छा ठंडा करता है, मतलब फास्टिंग वगैरह में तो ज़रूर खाना चाहिए ये। हल्का सा पानी ऐड करके इसको मिक्स कर लेंगे पहले। इसमें मीठे के लिए मैं ऐड कर रही हूँ गुड़, आप चीनी भी ले सकते हो बट हम लोग मोस्टली चीनी अभी अवॉइड कर रहे हैं, तो गुड़ ही ऐड कर रही हूँ, छोटे चम्मच, 4 छोटे चम्मच ऐड कर रही हूँ। इसमें आप वो जो मिल्क पाउडर आता है ना वो भी ऐड कर सकते हो, उससे भी बहुत अच्छा स्वाद आता है। देन इसमें ऐड करेंगे हम लोग फ्रूट्स, यहाँ पर मैंने थोड़े बहुत डेट्स भी लिए हैं तो इसीलिए शुगर मैंने थोड़ा सा मतलब मीठा थोड़ा सा कम लिया क्योंकि जीत थोड़ा सा ज़्यादा मीठा खाते हैं। देन इसमें फ्रूट्स में मैंने लिया है केला एंड एप्पल, तो आप इसमें जो ग्रेप्स ले सकते हो, अनार ले सकते हो, अपने पसंद का जो भी बेरीज वगैरह जो है वो सब भी ले सकते हो, एंड आप इसमें पनीर भी थोड़ा सा ग्रेट करके ले सकते हो। मैं बस ये वाले फ्रूट्स ले रही हूँ एंड थोड़ा सा यहाँ पर ग्रेटेड कोकोनट जो है वो ऐड कर रही हूँ। मिक्स कर लेंगे, तो अभी आप इसमें थोड़ा सा वो भी ऐड कर सकते हो, काली मिर्च का पाउडर बिल्कुल एक पिंच एंड थोड़ा सा इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हो। मैं बस ऐसे ही बना रही हूँ जल्दी जल्दी में, तो बस ये मिक्स कर लेंगे एंड ये बनके रेडी है।
ਕਰ ਹੋ ਜੂ ਬੰਦਿਆ ਓ ਸ਼ੇਰਾ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਦੇ ਫੜ ਲੈ ਤੂੰ ਪੈਰ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਜੂ ਬੰਦਿਆ ਸਿੰਬਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀਤ ਕੇ ਪਾਸ ਥੋੜਾ प्यार चाहिए। चलो तुम दिखाएगा मुझे। जैसे ही जीत आके बैठे ना आपके नीचे देख के बोले जीत ने बोला ऊपर आप फटक जाओगे। तब तक नहीं आ रहा था कि जब तक वो बुला नहीं रहे थे। सेल्फ रेस्पेक्ट है ना। बहुत ज्यादा सेल्फ रेस्पेक्ट है। और जो मैं बहुत छोटा लोग बहुत छोटा सच में हमारे घर पे है सम्मान ना तो यकीन नहीं होता। ऐसा लग नहीं रहा है कि ये बस मतलब दो महीने भी नहीं हुए इनको आए हुए हमारे घर में। 28 तारीख को दो महीने हो गए। ये किटन से किटना हो गया ना। कल ना चल रहा है मेरा चुप निकल। गाइस जय माता दी। जय माता दी। आप प्रवेश कर दो सबको। फर्स्ट डे एंड ये सेकंड डे मतलब सॉरी ये ब्लॉग नवरात्रों की बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप, आपको मैंने 50 बार बोला जब आप खाते हो तो मुंह से फिनिश करो फिर बात करो वरना आप बात जब खाके बात करो। सो गाइस नवरात्रों की बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं। तो कैसे हैं आप? गाय की तरह ये टेक वन था। गाय की तरह मुंह चलाते हुए बोलते हो गाइस कैसे हैं आप? कैमरा बंद कर पॉज कर एक बार देख पटाख के पड़े। तो कल ना हमारे घर पे एक आए थे मतलब हमारे एक सब्सक्राइबर है इसी फ्लोर पे रहते हैं तो उनके कोई फ्रेंड है तो उनको पता चला था कि हमारे घर में कैट्स हैं तो वो देखने आए थे तो उनके घर में भी दो कैट्स हैं वो 9 महीने के हैं। तो सिम्बा को जब देखा उन्होंने तो बहुत प्यार करने लगी है। फिर जब मैंने बताया कि ये 6 मंथ का है तो ये 6 मंथ का है हमारा 9 मंथ का कैट इससे छोटा है बहुत छोटा है। 9 मंथ का कैट हमारा बेबो जैसा है 9 मंथ का कैट और ये 6 मंथ का। तो मैं तो जब जी वो गई वो लड़की जब गई ना तो जीत सिम्बा को थू 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 मतलब नजर ना लग जाए। जीत ने इतने जोर से थू थू किया कि ये चौंक मतलब ऐसे जंप कर गया कि क्या हुआ क्यों थू थू कर। तो गाइस बस हो गया आज डे 1 कंप्लीट नवरात्रों का। चलती हूँ अभी ड्रेस वगैरह चेंज करती हूँ। हनी बनी कब का सो गए हैं। प्रशांत की बात ही अलग है यार सीरियसली। खाओ अच्छे से और कल आज दिन भर उन्होंने कुछ नहीं फ्रूट जूस कुछ नहीं कल से जूस पी लेना। 9 दिन है ना एक दिन थोड़ी कि आप ऐसे रहोगे। रात को फ्रूट जूस सब मिलता रहा है फिर और क्या। फिर रात को दिन में तो पियो गर्मी कितनी हो रही है भाई। व्रत का मतलब व्रत होता है। हाँ तो फ्रूट खाने में क्या है व्रत। तो चलिए गाइस मिलती हूँ आपसे मैं कल सुबह। ये ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा डे 2 नवरात्रों के लिए। तो मिलती हूँ मैं कल सुबह। मैं बोलूंगा तो बकवास करेगी। मिलते हैं कल सुबह फिर। गुड नाइट। गुड नाइट। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। ਫੜਿਆ ਉੱਡ ਦੀ ਪਤੰਗ ਵਾਂਗੂ ਅਰ ਛੱਤ ਚੜਿਆ। ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਪੱਲਾ ਜੀ ਨੇ ਅਨ ਫੜਿਆ ਉੱਡ ਦੀ ਪਤੰਗ ਵਾਂਗੂ ਅਰ ਛੱਤ ਚੜਿਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਤੂੰ ਖੈਰ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਜੂ ਬੰਦਿਆ। ਕਾਲੀ ਮਈਆ ਜੀ ਦੇ ਫੜ ਲੈ ਤੂੰ ਪੈਰ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਜੂ ਬੰਦਿਆ। तो हो गई मेरी डे 2 नवरात्र की सुबह की पूजा। तो यहाँ पे मैंने डिटॉक्स वाटर भी बना लिया है। आज मैंने अदरक और ग्रीन एप्पल जो है वो ऐड किया है। तो चलिए आपसे मिलती हूँ फिर मैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। टेक केयर। लॉट्स ऑफ लव। दुनिया भी पावे सारी पढ़ ले पढ़।